ना तेरे कोई, इसलिए तू नहीं जानती कि माँ होना क्या होता है और माँ का दर्द क्या होता है। मार दे दे इसको मुझे, छोड़ कभी। मार मेरी बात। ले मार ले। मम मम अब मार मुझे। बदला ले ले तेरा। मार मुझे। मम मम प्लीज। ले 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 इसको बदला मुझे। मैडम जी मैं अभी पुलिस बुला रहा हूँ। ओए फोन कर पुलिस को। नहीं पुलिस नहीं आएगी। मैडम जी वो औरत आपके कुत्ता फजीती करके चली गई और आप बोल रहे हो कि पुलिस। तू फोन लगा ना भाई। मैंने कहा ना पुलिस नहीं आएगी, नहीं आएगी। छोड़ कबीर मुझे, तू मुझे क्यों शांत कर रहा है? मॉम मॉम बात करने दे मुझे। मॉम अच्छा ठीक है ओके। आपको मारना है ना उसको, तो एक काम करिए आप पहले मुझे मारिए। आपको यही लग रहा है ना कि मैं उसके साथ मिल गया हूँ? हाँ तो आप मुझे मारिए ना, अपना गुस्सा निकाल लीजिए, सारी भड़ास निकाल लीजिए आप मुझ पे, लेकिन मुझे मारिए आप। Hit me. Mom. मेरा ध्रुव पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, ये सब कुछ नहीं करता अगर इस औरत ने उसको धोखा नहीं दिया होता। ध्रुव कोई गलत काम नहीं करता। मॉम 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 मेरी तरफ देखिए। मॉम मॉम हमें हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना, और मेरी हिम्मत आप हैं, आप हैं, इसीलिए मैं दुनिया से लड़ पा रहा हूं। अगर आप ही टूट जाएंगी तो मैं भी टूट जाऊंगा ना, बिखर जाऊंगा मैं। नहीं मॉम मॉम प्लीज रोना बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए, चलिए घर चलते हैं। आइए मॉम आइए। माँ नहीं ना तेरी कोई, इसलिए तू नहीं जानती कि माँ होना क्या होता है और माँ का दर्द क्या होता है। सुल्तान ओ शहंशाह रुक जा। मैडम जी इसको देखो, मैं इसको कब से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अपने मित्तल पने दिखा रहा है। पूजा प्लीज तुमसे एक बात करना चाहता हूँ मैं आज। मैडम एक्चुअली पूजा ये बात मैं तुमसे कल करना चाहता था, लेकिन तुम कल इस हालत में नहीं थी कि मैं तुमसे बात कर सकूं। देखो पूजा मैं जानता हूं कि ध्रुव ने गलती की है, उसने गलती की है, उसे इस बात की सजा भी मिलनी चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगने के बारे में सोच ही रहा था कि मॉम आ गई है। मॉम ने तुम्हारे साथ उसी ने कबीर ने अपने भाई ध्रुव को भगाया वहां से। अच्छा ट्रस्ट मी, मुझे नहीं मालूम था कि मॉम यहां पे आने वाली है तुम्हारे साथ ये सब। पूजा देखो एक बात तो क्लियर हो गई है, ये बदला ये रिवेंज ये सबसे किसी को कुछ नहीं मिलता। ये बदला जो होता है ना वो सबको खा जाता है, ये एक दीमक की तरह होता है। पर पूजा जिसके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है ना, उसकी फैमिली उसके लोग वो खुद सब जहरीले लगने लग जाते हैं। अब पूजा ये मत सोचना कि जो तुमने मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ किया उसके बारे में भूल चुका हो, सब याद है मुझे। पता है पूजा आप इस फीलिंग से ना मुझे अब घिन आने लग गई है। मुझे लगता था कि मैं भी तुम्हारे साथ दिन बस अब और नहीं झेला जाता मुझसे, तुमसे ये कंपनी से शहर से सबसे दूर जाना चाहता हूं मैं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहां से रिजाइन कर रहा हूं। येरा मेरा रेजिग्नेशन।
नहीं सुमन, नहीं, इस मामले में मैं हरगिज तुम्हारे साथ इत्तेफाक नहीं रखता। ये तुम गलत सोच रही हो, बिल्कुल गलत। अरे अगर तुम कबीर के ऑफिस में जाके कुछ हंगामा करोगी तो इसका कबीर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। बेटा दादू, आज ना मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन दूर करके आया हूं। मैं वो फैक्ट्री का काम छोड़ दिया है मैंने। कभी क्या आप लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। मैंने दूसरी नौकरी की अरेंजमेंट कर ली है। दादू, ये बदला, ये रिवेंज, मैंने देख लिया, सब में कुछ नहीं रखा है। मैंने कोशिश की है एक बार पूजा शर्मा को नीचा दिखाने की चक्कर में। दादू ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली इस बात को लेके। इसीलिए मैं वो फैक्ट्री, पूजा की लाइफ सब छोड़ दी है। मैं जो भी करूंगा ना, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए करूंगा, और सही तरीके से करूंगा। बस एक बार मेरा भाई वापस आ जाए, जो उसने गलत किया है उसकी सजा बिता ले, उसके बाद दादू हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करेंगे सही तरह से। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन मेरे ध्रुव ने जो भी गलत काम किया है वो उस पूजा की वजह से किया है। बस अब इस मामले में इस घर में कोई बात नहीं करेगा। कबीर बेटे, जो कुछ तूने किया बिल्कुल सही किया। पिछला पांव नहीं उठाएगा तो फिर आगे कैसे बढ़ सकेगा? कौन गया? नहीं, वो शहजादा कबीर कहाँ गया मैडम जी? कबीर अब इस कंपनी में काम नहीं करेगा। ओ भैया राम, ये तो बहुत ही शांतिप्रिय काम हो गया मैडम जी। नहीं मतलब फाइनली आपने एक बढ़िया वाला भव्य कदम उठाया मैडम जी। बल्कि मैं तो आगे करके ये बोलूंगा मैडम जी कि लगे हाथों उसको जेल में भी डलवा देते। आप हमेशा जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम क्यों करते हैं? मैंने कहा ना, कबीर की कंप्लेन हम पुलिस में नहीं करेंगे। सॉरी मैडम जी, मैं तो आप तो मुझे अपडेट्स चाहिए फैशन शो के। क्या क्या हुआ है, क्या क्या बचा है, अब 24 घंटे भी नहीं बचे, मुझे अपडेट्स दीजिए आप। मैडम जी, मेरे को अभी भी आपकी तबीयत जो है ना पूरी तरह सही सेट नहीं लग रही है। आपकी जगह अगर कोई और होता उसका किडनैप किया जाता, मतलब आप समझ रहे हो ना मैडम जी, वो तो बेचारा उठ ही नहीं पाता, पर ये तो आप जोरदार हो। क्या करूं मैं? बंद कर देती खुद को अपने घर में, घर को जेल बना देती। हाँ, जेल तो उसे जाना चाहिए था जिसने मेरे साथ ये किया। एनीवे, मैं लंच के लिए जा रही हूँ। मैं जब तक वापस आऊं मुझे फैशन शो के सारे अपडेट्स चाहिए जी। क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या बचा है, सब कुछ जी। चोपड़ा जी, ये फैशन शो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे अनाथालय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा मेरा बचपन गुजरा है, मैं नहीं चाहती उन बच्चियों के साथ ऐसा हो। गेट इट जी। और चोपड़ा जी, मैं कमजोर नहीं हूं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस फैशन शो को मैं ही लीड करूंगी। क्या पप्पा जी, आप मैं और कुत्ते की तुम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी भी नहीं होती, और आपका टेढ़ापन खत्म नहीं होता। यार कितनी गाली खाते हो यार।
पूजा जी, किसको किसको समझा रही है कि आप कमजोर नहीं है? किसको? अरे कल कल की बात और है मैडम जी, इस फैशन शो के फ्लॉप होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा हाउ आर यू डूइंग मैडम जी, फिर इस कंपनी की सत्ता आएगी इस चोपड़ा के हाथ। बेटे को बर्बाद कर सकती है तू? उसकी माँ अभी जिंदा है और एक माँ के रहते हुए तू उसके बच्चे को छू भी नहीं सकती। पर तू क्या समझेगी? यतीम कहीं की? तेरा तो कोई भी नहीं है। तू अपनी माँ के साथ कभी नहीं रही। चली गई यहां क्यों? पहले आप चली गई, फिर डैडा भी चले गए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। डट के सामना किया हर मुश्किल का, डैडा की मौत का बदला लिया। मुझे लगा मैं जीत रही हूं, मुझे लगा मैं जीत गई, लेकिन वो सुमन मित्तल अपने बच्चों के सामने जब मां नाम की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है ना और मुझ पे तलवार चलाती है, छिल जाती हूँ मां, कमजोर पड़ जाती हूँ। मुझे लगता है जैसे मुझे कोई बचा ही नहीं सकता, अकेली हूँ। मुझे भी मेरी मां चाहिए जो मुझे बचा सके, सबसे मेरी ढाल बन सके। क्यों नहीं है मेरे पास? कहाँ चली गई यार? अब तक एक बार भी उसने कांटेक्ट किया आप लोगों से? हाँ नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनफैक्ट हम भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही वो मिलेगा ना मैं खुद उसे आपके पास लेके आऊंगा। एक फेयर ट्रायल भी तो जरूरी है ना सर। बिक गए आप लोग, खरीद लिया है आपको उस पूजा शर्मा ने। क्या कहा उसने? जैसे ही मेरा बेटा आपको दिखाई दे उसे मार डाले, यही बोला ना? मॉम इंस्पेक्टर साहब अपने काम कर रहे हैं, प्लीज उन्हें करने दीजिए। देखिए हमें बहुत ज्यादा पता तो नहीं चल पाया ध्रुव के बारे में, लेकिन हमारे हिसाब से वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया और हो सकता है कि वो पूजा पर फिर से अटैक करे, इसलिए हमने उनसे भी कहा है कल अपने फैशन शो में थोड़ा सा अलर्ट रहे। ध्रुव जैसे ही मिलेगा ना मेरा यकीन मानिए, मैं उसे ऐसे कुछ नहीं करने दूंगा, ये सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी, मैं खुद लेके आऊंगा आपके पास, ट्रस्ट मी। थैंक यू। रानी लेकिन तूने अपने फोन की लोकेशन सर्विसेज बंद क्यों की है? भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो गई तो हम तुझे ट्रेस कैसे करेंगे? मुझे टाइम देखो, ये चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है।
हम यहाँ बैठ क्या कर रहे हैं? चुप कर, तुझे गला काट दूंगा तेरा। रानी अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं तुझे कभी फिर से अकेले जाने नहीं दूंगी। पूजा बिटिया बाय। बिटिया रात के 12:30 बज गए, अब तो सो जा। अम्मा आज तो रात जगा होगा, इतना सारा काम बचा है, कल फैशन शो है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप जानती है ना ये फैशन शो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अनाथालय के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और फिर कल तो बच्चियां भी आ रही है वहां पर। अम्मा मैं कुछ सोच रही थी, फैशन शो हो जाए ना उसके बाद एक दो दिन के लिए मैं यहाँ से छुट्टी लेकर डैडा की अस्थियां भाग कर आ जाऊंगी। बहुत अच्छा सोच रही है बिटिया, तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, जो कुछ तू पाना चाहती थी पा तो लिया। काश माँ की अस्थियां भी होती मेरे पास। चोपड़ा जी। सॉरी जी। हाँ जी। मेरे पास फैशन शो के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा जी। तो मिस्टर जी मोस्टली हमारी पूरी टीम इंडियन है, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा फोकस भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल रहे। आई मीन शुरुआत में हमारे सारे मॉडल्स क्यों ना अपनी माओ के साथ स्टेज पर आए, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना ओपनिंग। What do you think? सच में बहुत अच्छा आइडिया है। गुड आइडिया, बढ़िया पूजा। थैंक यू। अपर ही ये क्या नया ड्रामा है। चुप रहे, इसको जो करना है करने दे, हमको जो करना है हम करेंगे। मैडम जी मैं क्या बोलूं, ये जो बिगनिंग वाला आइडिया ना बहुत ही बढ़िया है, पर एंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या? एंड टाइम पे वो जो अपनी शो स्टॉपर है मीना, मीना ने मना कर दिया जी आने से। तो चोपड़ा जी आप इतनी जल्दी क्यों बता रहे हैं मुझे? 3-4 दिन बाद बता देते वो भी चलता। आप पापा जी मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? अगर पूजा मैम ही शो स्टॉपर बन जाएं तो। चुप कर फिल्मी। मैडम जी ये बुला हो गया, इस पे आप ध्यान मत दो। नहीं मतलब मैं समझ सकता हूँ आपकी टेंशन इस टाइम पे क्या होगी। पूजा शो स्टॉपर, वेरी गुड आइडिया। मिस्टर जी। पूजा बिटिया आइडिया तो बहुत अच्छा है, तू हिम्मत से काम ले, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। ताई जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्यों पूजा मैडम पे इतना प्रेशर डाल। ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं बन जाऊंगी शो स्टॉपर। सब लोग आई कैन सी कबीर कहाँ है? आपके भाई ध्रुव का पता चल गया है, मैंने पुलिस को नहीं बताई, सोचा पहले आप ही को बता दूं। थैंक यू सो मच भाई जी। अगर मुझसे पहले पुलिस ध्रुव तक पहुंच गई ना तो ध्रुव कुछ भी उल्टा सीधा करके केस को बिगाड़ सकता है। तो मैं एक बार ध्रुव से बात कर लेता हूँ, उसे बोलता हूँ कि उसे सरेंडर करे। कह रहे हो आप कहाँ मिलेगा इस वक्त ध्रुव? देखो सब तेरे अनाथालय की सारी बच्चियां आ गई, देख कितनी खुश हैं। और जब से इन्हें पता चला है कि तू स्टेज पे भी आने वाली है तब से तू और भी उतावली हो रही हैं सब। तू कर लेगी ना? हाँ माँ। दरवाजा खोल, मैं हूं। ध्रुव
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।